अरे हम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों श्री भगवान जी विष्णु जी की मूर्ति बनाना सीखेंगे। दोस्तों पहले तो कुछ मिट्टी लेकर के कुछ इस प्रकार से इकट्ठा करके गोल शेप में बना लेंगे। गोल शेप में बना करके दोस्तों इसके ऊपर ही विष्णु भगवान जी को बनाएंगे। बाद में यहाँ पे कलर पेंट करने के समय पे यहाँ पे पेंट करके डेकोरेट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कमल का फूल बना देंगे। तो दोस्तों उसी को गोल शेप में बना देने के बाद वहाँ पे लसा लकड़ी दे देंगे ताकि वहाँ पे कड़ा होने के लिए, मतलब बैलेंस में रखने के लिए। तो इसी प्रकार से वहाँ पे लकड़ी दे देने के बाद दोस्तों लंबा कॉइल बना करके कुछ इस प्रकार से दोस्तों दो भाग करके दो पैर बना दिए दोस्तों। और थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे दोस्तों, क्योंकि पैर मोटा होना चाहिए दोस्तों थोड़ा बहुत, तो इसलिए दोस्तों और थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ऐड करते दोस्तों, और दोस्तों डायरेक्ट ही धोती का स्ट्रक्चर भी बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाद में बनाना नहीं पड़ेगा तो इसलिए पहले ही बना देते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से वहाँ पे जॉइंट कर देंगे। जॉइंट कर देंगे दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे ताकि वहाँ पे अच्छे से जॉइंट हो जाए। तो इसी प्रकार से जॉइंट करने के बाद अभी कमर बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा और मिट्टी ले करके वहाँ पे कुछ इस प्रकार से पैर के साथ जॉइंट कर देंगे। स्ट्रक्चर बना देंगे दोस्तों पहले, फिर बाद में थोड़ा बहुत फिनिशिंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। मिट्टी जहाँ पे ज़रूरत है उसी जगह पे ऐड करते करते दोस्तों इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बना देने के बाद देख सकते हो धीरे धीरे इसी प्रकार से बना देंगे। और एक बात दोस्तों, थोड़ा बहुत भी हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और आगे इसी मूर्ति का दोस्तों कलर और डेकोरेट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बॉडी का आधा पार्ट तो बना चुके हैं, अभी थोड़ा हाथ पैर तो बनाना बाकी है। तो इसलिए दोस्तों और कुछ इस प्रकार से हाथ बनाने के लिए थोड़ा लंबा कॉइल बना लेंगे, और उसी को दोस्तों पैर की जैसा ही दो भाग करके दोस्तों दो हाथ बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इसी समय पे ही दोस्तों उंगलियां बना लेंगे, क्योंकि बाद में बनाएंगे तो टूट जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों, इसलिए अभी के समय पे बना देंगे, छोटा छोटा कॉइल करके बना देंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आशीर्वाद देते हुए हाथ बना रहे हैं दोस्तों, और इसी प्रकार से दोस्तों तीनों हाथ और बना लेंगे, क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा विष्णु भगवान जी की चार भुजाओं होता है। तो इसीलिए दोस्तों और तीनों हाथ बना देना, बनाना नहीं दिखाया है, बस दो हाथ ही बना करके दिखाया है दोस्तों। तो इसी प्रकार से और तीनों बना देंगे। इसी प्रकार से बना देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से वहाँ पे जॉइंट कर देंगे दोस्तों शरीर के साथ। दोस्तों दोनों हाथों को ज्वाइंट कर देने के बाद अभी धोती का फोल्ड को बना रहे हैं दोस्तों। धोती का फोल्ड को बनाने के लिए दोस्तों टूल का मदद से कुछ इसी प्रकार से लकीर की तरह बना लेंगे, और दोस्तों इसी को लकीर की तरह बना देने के बाद दोस्तों कुछ इसी प्रकार से ब्रश की मदद से फिनिशिंग कर देंगे। दोस्तों शरीर को इतना बना देने के बाद दोस्तों अभी बना रहे हैं चेहरे को। चेहरे को बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मिट्टी लेकर के दोस्तों पेस के, मतलब शरीर के हिसाब से दोस्तों बना देंगे दोस्तों। पहले तो मुकुट को बना लेंगे दोस्तों, क्योंकि बाद में बनाएंगे तो पेस डैमेज हो सकता है, इसलिए पहले मुकुट को ही बनाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से धीरे धीरे बनाते जाएंगे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को वीडियो के अंत में। तब तक बने रहिएगा वीडियो के साथ।
दोस्तों विष्णु भगवान जी की सब कुछ तो बना चुके हैं, अभी बनाना बाकी है दोस्तों, और दो हाथ को जोड़ देंगे तो मूर्ति कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके आज की वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और ये देख सकते हो फाइनल लुक।